तो प्रीवियस क्लास रे कोन पढ़थिले स्ट्रेस स्ट्रेन कोन पढ़थिले या तो वो रु पी जाय जो पॉइंट थला कोन थला की रीजन थला टा ओबे कोठला होक्स रो ओबे कोठला होक्स रो तापे पॉइंट थला कोन ई ई पॉइंट कोन थला इवन पॉइंट बा इलास्टिक पॉइंट थला तापरे ई परठ कोन आस जो प्लास्टिसिटी आस ई रु सी भीतर रीजन जदि अधिक आइ जबो सेटा कोन आइ जबो डक्टाइल आउ जदि ई रु सी भीतर रीजन कम थिबो ब्रिटल माने भांगी जबो जदि पूरा न थिबो पूरा पूरा माने नेग्लिजिबल थिबो इलास्टोमर्स जडे एग्जांपल होला तमरो रबर डोर एग्जांपल लिमिट पारे होला छिड़ जबो आउ किछ माने एक्सपेंशन होर चांस नै बुझि पाछो तापरे पढिबा सेदिन जो पढिथिले हुक्स लॉ आज पढे हुक्स लॉ कर हुक्स लॉ स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेस और स्ट्रेन रो स्ट्रेस और स्ट्रेन रो फॉर्मूला सब मन अछि एबे सब काम रे आसो जतिक सब पढथले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टैंजेंशियल स्ट्रेस टैंजेंशियल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सब एबे उजो तो हुक्स लॉ कोन कहला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कौन कहले स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन आउ ते जो सेंटेंस लगा जे विदिन द इलास्टिक लिमिट भितरे से हमें कौन कहले ओ रु पी रीजन जो नोटले सही थरे हुक्स लॉ वैलिड होतला ता पर तो वैलिड हो नोटला कौन पाए कना इलास्टिक लिमिट भितरे ही हुक्स लॉ वैलिड हो माने कौन कहला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने कौन समान आकार रे पढिबो तमे कोन पढथिलो कोन पढथिलो उड़िया रे कोन को समानुपाती ना कोन रे पढथिलो ये बढिले ये भी बढिबो ये कमिले ये भी कमिबो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन द इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट भितरे बुझि पाछ के नै तबे एडी कोन पर जो स्ट्रेस एटा लिख पर बिना नि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कौन है जो उठे कांस्टेंट है जो कांस्टेंट किसी नहीं है जी कांस्टेंट है जो कहीं कांस्टेंट हो जी क्या ना सब बड़े तारे सेवड़े कौन ऐसी हो समान ऐसी हो बाकी उठे रे सेवड़े बड़ी बड़ी चली हो ये वो दो ही है ना ये चार ये वो चार है ना ये हो वो छह ये वो चार है ना ये हो वो छह ये छह है ना यार तो रे सेवड़े तो बाकी समान ऐसी हो उठे तो मैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तारे सेवड़े कौन है जो कांस्टेंट जहाँ पर मैं कहूँ जाए ई नहीं हो बुझी है ना The constant is called modulus of elasticity. Its value depends upon the nature of material of the body and men and men. Space there and the manner in which the body is deformed. माने elastic limit सब material का समान था एक different different था. ताले यदि स्ट्रेस वाइज स्ट्रेन इलास्टिक लिमिट डिफरेंट रहो छि तांता रेशियोटा भी कोन हो सबरो डिफरेंट डिफरेंट हो से भाई कोन कोइला इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड मैनर इन व्हिच द बॉडी इज डिफर माने जे बोटा डिफर होबो सेटी ही तो पडियो ना डिफर फोर्स माने कोन जे फोर्स टा गोटे बॉडी रो साइज एंड शेप चेंज करियो साइज एंड शेप चेंज करले रिस्टोरिंग फोर्स द्वारा बाय इंटर एटॉमिक फोर्स द्वारा कोन हो से ता रिस्टोर करियो साइज टा तो डिफर मोड फोर्स जे पडियो सेटी फोर्स ले अप्लाई हो बस स्ट्रेस वाइज स्ट्रेन रो रेशोटा कते हिजो कांस्टेंट ई सहित समान लागो इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी हां पड़ी भाई ला स्ट्रेस ताके पड़े वाले जो इलास्टिसिटी टेंपरेचर ऊपर भी डिपेंड करे केमिति जदी उठे मटेरियल इलास्टिक लिमिट उठे अछि ताको हम हीट करले के मटेरियल इलास्टिक लिमिट बढ़ी भी जाए को मटेरियल इलास्टिक लिमिट कमी भी जाए डिपेंड करे मटेरियल ऊपर तो हीट ऊपर भी टेंपरेचर ऊपर भी डिपेंड करे तापर आसेला इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी ये कहाँ पर डिपेंड करे नी बॉडी रो डायमेंशन पर डिपेंड करे डायमेंशन माने कौन ता साइज एंड शेप पर डिपेंड करे तार स्ट्रेस कते हो स्ट्रेन कते हो ता पर डिपेंड करे तो साइज पर डिपेंड करियो नै ता बरे देयर आर थ्री मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी नेमली यंग्स मॉडुलस वॉल मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यंग्स मॉडुलस को वाइड रेट करा जाए वॉल मॉडुलस को केंद्र
आउ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को इ टाइप टा को मॉडुलस माने एटा कोन होले कांस्टेंट ए जो ईटा कोन होले मॉडुलस को ना इलास्टिक मॉडुलस एटा को जो मॉडुलस माने ए जो इलास्टिक कांस्टेंट टा को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो टा को तीन भाग रे भाग कराय जंती स्ट्रेस को डिफरेंट भाग रे भाग कराय जंती स्ट्रेन को डिफरेंट भाग रे भाग कराय तो बुक्स लो देले जो दा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो टा इलास्टिक मॉड्यूल हैला ए जो इलास्टिक कांस्टेंट टा को तीन भाग रे भाग कराय फर्स्ट पढ़िया आबे कोन यंग्स मॉडुलस फर्स्ट पढ़िया यंग्स मॉडुलस यंग्स जाओ नोट करे वाई सबुरे तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो टा कोन कांस्टेंट हो किंतु यंग्स मॉडुलस रो को स्ट्रेस स्ट्रेस रो डिफरेंट टाइप्स अछि ना स्ट्रेन रो डिफरेंट टाइप्स पड़ छै ना तो एठी को स्ट्रेस अछि एठी को स्ट्रेन सेम अनुसार मॉडुलस डिवाइड हे छै एटा कोन हे जो यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस कोन लिखाय छै नॉर्मल स्ट्रेस बाय सही लोंग नॉर्मल जेना सेटा कोन आछ लोंगिट्यूडनल आछ ना एफ बाय एल आछ इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस बाय लोंगिट्यूडनल स्ट्रेस तने यंग्स मॉडुलस वाई ला कोन लिखबो नॉर्मल स्ट्रेस बाय longitudinal strain बुझि हो जी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से डको हम इलास्टिक कांस्टेंट का मॉड्यूल कर देले ताको पण तीन भाग रे भाग करा एटी स्ट्रेस ता की स्ट्रेस हेला नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन ता हेला longitudinal strain ताने कोन आछो सेडा कोया हमें यंग्स मॉडुलस नॉर्मल स्ट्रेस रो फार्मूला कोन पडतिले फोर्स बाय को एरिया जहाँ ऊपर फोर्सटा पड़ती जो एरिया फोर्सटा पड़ो से क्रॉस सेक्शन एरिया पड़ा से क्रॉस सेक्शन एरिया लघुचित्र स्ट्रेन कौन कहते डेल एल बाय एल डेल एल टा कौन थी डेल एल टा कौन थी चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ एफ बाय एफ बाय डेल एल बाय एल उल्टी होले कौन हो एफ एल बाय एल एल ए डेल बुझिला जस्ट उल्टी होला गुणन है होला हरण है उल्टी की गुणन है जाए ना ए होला तापर देखो तुम जो गोटे दे थर्मल स्ट्रेस एबे तुम एटा टे बुझी पाले जतरा हमें थर्मोडायनामिक्स पढ़िबा बट टेंपरेचर ऊपर पढ़िबा सेतले तुम एटा आसीबो हीट इंक्रीज होबो टेंपरेचर इंक्रीज हेले टेंपरेचर जो चेंज होबो सेठो आसीबो कोन थर्मल स्ट्रेस खाली अभी जस्ट कहूँ कौन इफ ए रॉड इज फिक्स बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इट्स लेंथ विल चेंज एंड सो विल एक्जर्ट ए नॉर्मल स्ट्रेस दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस माने एठी कौन नॉर्मल स्ट्रेस कौन कहते फोर्स बाय एरिया कहते गोटे दुटा जगह दुटा वाल रखे गोटे रड टाक फिक्स करदे देखिए हिट कले क्या रड टाक रड कौन कर चेंज करे ड्यू टू टेम्परेचर तार लेंथ चेंज हो से जगह रे जे स्ट्रेस टा पड़ुच ता होय से स्ट्रेस टा कोन कहिया थर्मल स्ट्रेस पे ए जो डेल थीटा लिखाय देखो तो लिखाय देखो थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कोन लिखाय छे आपरे डिटेल से आगु पढियो हला थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू कोन लिखाय छे वाई प्रोपोर्शनल टू कोन लिखाय छे डेल थीटा एटा कोन एटा हला चेंज इन temperature eta kon change in temperature change in temperature y ta proportional ka se to hobo change in temperature se to del theta mane mone karo heat koriya puru temperature thila 25 degree celsius heat kala pore he gala 50 degree celsius ta change in temperature kete hejo 50 minus 25 tara y ta ka sagare proportional ho seta kon kahuchi thermal stress kahuchi तर से कौन बाहर जो तर फोर्स के प्रोड्यूस हो फोर्स रो फॉर्मूला कौन मास इन एक्सेलरेशन मास इन एक्सेलरेशन थिला एटी फोर्स रो फॉर्मूला कौन होबे एफ बाय ए वाई टा प्रोपोर्शनल का सहित हो एफ बाय ए सहित हो एटा तर कांस्टेंट है वाला हमें कौन होले वाई इज प्रोपोर्शनल टू एफ बाय ए होबो कि नहीं तले एफ इक्वल टू केता हो वाई ए तले वाई डेल इक्वल टू कौन है जो एई जगह केते जो एफ जगह पके दबो कोन y a प्रोपोर्शनल टू केते जो
ଦେଲେ ଯେ ଫୋର୍ସ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଆପଣ ଡିଟେଲସ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ କିଛି ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ପଛରେ ଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଠୁ ପକାଅ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଏଫ୍ ବାଇ ଏ ମାନେ ଏଫ୍ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ୱାଇ ଏ ହେବ ନା ସେ ଏଫ୍ ସେଠି ୱାଇ ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ କେତେ କରିଦେଲି ଡେନ୍ ସେଇଟା କରିଦେଲି ସେଇଟା ହେଲା ଥର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବଲ୍କ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଆଉ ରିଜିଡ଼ିଟି ମଡ଼ୁଲସ୍ ଅଫ୍ ରିଜିଡ଼ିଟି ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ପରରୁ କିଛି ଏଠି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା ୱାର୍ଡ଼ର୍ ପଢ଼ିବ ତୁମେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର୍ର ଖାଲି ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ିଥିଲ ୱାର୍ଡ଼ର୍ର କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ଓନ୍ଲି ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ିଥିଲ କ'ଣ ଏଫ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍ ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମନେ ପକାଅ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ୱାର୍ଡ଼ର୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସୋ ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ର୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେମ୍ ହେଇଯିବ ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଠି ଯେ ଫୋର୍ସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଏମ୍ଏ ଡି ଏମ୍ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଡିଏସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଠି ପଡ଼ିବନି ଏଠି ଆର ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ଏଠି ଯେମିତି ପକେଇଲେ ସେଭଳିଆ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ୟଙ୍ଗ୍ସ ମଡ଼ୁଲସ୍ ବୁଝିହେଲା ଫୋକ୍ସ ଲ କ'ଣ କହିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇଜ୍ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବାଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଲେସ୍ ହେଇଗଲା କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମଡ଼ୁଲସ୍ ତାକୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ପଡ଼ୁଛି ୟଙ୍ଗ୍ସ ମଡ଼ୁଲସ୍ ହେଲା ତା'ପରେ ୟଙ୍ଗ୍ସ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ୟଙ୍ଗ୍ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ତାରଟା କ'ଣ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁଛି ବା ମଡ଼ୁଲସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପଡ଼ୁଛି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ତା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ନ୍ କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଏବେ ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ନ୍ କେତେ ଜାଣିବ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କେତେଟା କରିବ ଯେତେବେଳେ ତା'ପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପଡ଼ିବ ସେ କିଛି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବ ସେଥିରେ ବାହାରିବ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ମନେକର ତୁମେ ଘରୁ ସାଇକେଲ କରିକି ଆସୁଛ ସାଇକେଲିଂ କରିକି ଏଠିକି ଆସୁଛ ତ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ କରୁଛ ସେଠୁ ଆସିଲ କିଛି ଫୋର୍ସ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲ ତ କେତେ ୱାର୍କ ଭଲ ବାହାରିଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଘର ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ୱାର୍ଡ଼ନ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ୱାର୍ଡ଼ଟା ସରିଲା ନା ୱାର୍କ ଅଲଗା ୱାର୍କ ଡନ୍ ଅଲଗା ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହୁଛି ହେଲା ୱାର୍କଟା ୱାର୍କଟା ସରିଲା ଫୋର୍ସ ଡଟ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରୁଛ ପରା ପଢ଼ିବା ୱାର୍କଟା ସରିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହଉ ଶୁଣ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏ ୱାୟାର୍ ଗୋଟେ ଯଦି ୱାୟାର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କଲ ତାହେଲେ ତା'ର ୱାର୍କ ଡନ୍ କେତେ ହବ ୱାର୍କ ଡନ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏ ୱାୟାର୍ water in stretching ଦେଖ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସେ ବହୁତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ପକେଇବ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ସେ ଫର୍ମୁଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିବ ଭଲ କି ଦେଖ ତ ୱାର୍କର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏ ୱାୟାର୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଷ୍ଟରିଂ ଫୋର୍ସ This work is stored in this wire as a elastic potential energy or strain energy. That means, when you are stretching the wire, you are stretching the wire. You are stretching the wire. ସେ ବି ଖାଞ୍ଚିକି ରହିବ ତ ତାକୁ ପିଟି ଦେଲା ରଖିବ ହଁ ପିଟିବି ସେ ଟାଣିକି ରହୁଥିବ କି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ତା ଆଡ଼ୁ କିଛି ଫୋର୍ସ ପକାଉଛି ସେଭଳିଆ ୱାୟାର୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଣୁଛ ସେ କାହିଁକି ତମ ଆଡ଼କୁ ସିମ୍ପଲି ପଳେଇ ଆସୁ ତମେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପକେଇ ଟାଣୁଛ କିଛି ନା କିଛି ଫୋର୍ସ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି କି ଫୋର୍ସ ଇଣ୍ଟର ଆଟମିକ ଫୋର୍ସ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା କ'ଣ ରିଷ୍ଟରିଂ ଫୋର୍ସ ସେଇଟା ସେ କହିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୱାୟାର୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରୁଛ ତମର କେଉଁ ଫୋର୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ରିଷ୍ଟରିଂ ଫୋର୍ସ ତମକୁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ ତମକୁ କିଛି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସିମ୍ପୁଲ ଲାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏ ୱାୟାର୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଷ୍ଟରିଂ ଫୋର୍ସ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ତ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ରିଷ୍ଟରିଂ ଫୋର୍ସ ତା'ର ରହୁଛି ଦିସ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାୟାର୍ ଏଜ୍ ଏ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କଟା ରହୁଛି ଯେତିକି କରୁଛ ସେଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଣିଛି କେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିବ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ ଗତିର ଶକ୍ତି ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି ମନେ ପକା ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ମାନେ ତା'ର କିଛି ଏନର୍ଜି ରହୁଛି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ସ୍ଥିର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଭ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗତିର ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ତା'ର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଏଟା ହେଉଛି ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ସେପାଇଁ ଏଇଟା ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ହେଲା ସ୍ଥିତିର ଶକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅଛି ମାନେ ତା ବଡ଼ିରେ ତା'ର ୱେଟ୍ ଅଛି ମାସ୍ ଅଛି ମାନେ ତା'ର ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରଖୁଛି ସେ ଏନର୍ଜିଟା କ'ଣ କହିଲା ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ୱାୟାର୍ ମାନେ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ୱାୟାର୍ଟା କାହା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିନୋଟ୍ କରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ଇନ୍ ୱାୟାର୍
आउ किसी बही भी रहे किसी चेंज भी रहती हो बुझी पार्छ कि नहीं सब जगह यू मेनसन होती किसी मान्य ना कौ जगह डब्ल्यू भी मेनसन होता जस्ट ए डिनोटेड जमी तुम ना जगन्नाथ बुझी पार्छ ना जगन्नाथ ये जड़े ना चार जन अच्छा तार क्यारेक्टर्स जिते जन भी था तार क्यारेक्टर तार आटीच्यूड देखिकी डिफाइड कर एनर्जी स्टोर्ड इन वर्क देख तार कौ द्वारा मेनसन हो देख कि बही डिफरेन्ट मेनसन भी होती तो यूटा क्या सहित सामान हाफ इंटु एवरेज फोर्स इंटु इनक्रीज इन लेंथ हाफ इंटु एवरेज एट मन रख कहीं हाफ इंटु एवरेज इंटु ये है पढ़िया मेकानिक्स पढ़ला बेल मेकानिक्स मैंने तो पढ़ू ना कौन शुणा को मिलला हाँ तो मेकानिक्स जितने पढ़िया से डिटेल्स पढ़िया कमी देखा तो एबे खाली मन रख हाफ इंटु कौन एवरेज फोर्स एवरेज केम दीटा जो फोर्स अच्छे एवरेज केम मिसाई देखिए बाई दुई कर भाव एवरेज फोर्स टाइम ही बाहर बुझी पार्छ कि ना हाफ इंटु एवरेज फोर्स इंटु इनक्रीज इन इनक्रीज इन लेंथ मैंने गोटे प्रकार फोर्स इंटु डिस्प्लेसमेंट आसला कि ना इनक्रीज इन लेंथ मैंने कौन डिस्प्लेसमेंट एटा कौन फोर्स आवरेज फोर्स बुझी पार्छ कि ना तो कतला हाफ इंटु एवरेज फोर्स इंटु इनक्रीज इन लेंथ तापर आउ गोटे कथा एवरेज फोर्स कहीं बाहर करचे जिते गोटे तुम तार को टाणुच एमती पूरा लंबा तार गोटे छुआ मुटाटे जो तलू टाँच कौन से एका सागर सब सचुची तो इलास्टिक लिमिट बाहर टाणी मझीरू पतला पतला हवा स्टार्ट कर ना उपरू स्टार्ट कर भाव बोल इमाजिन कर जो गोटे तारटे एमती उड़ी एटा को टाणुच फास्ट आसो कि बाट ठीक जितने इलास्टिक लिमिट्रु अधिका पलो जे पटर अधिका फोर्स पड़ता अधार देख अधिका टे मैंने पतला है पूरा धड़ा धड़ा हो रेड कलर टाटा कंठा धड़ा पतला होटू पूरा उपर हुए ना जेपट टाणु से पट हुए फास्ट टाण पूरा सामान भाव में बढ़ो जिते इलास्टिक लिमिट बढ़ी जब कौन हम से अधारू मैंने कौन पूरा ये होगा पूरा धूस मानने जो ये कौन कहता वार्ड मैंने पूरा स्ट्रेच कले पूरा पूरा स्ट्रेच हो पूरा पतला हो पूरा शसिक पूरा अलग कलर हो रेड कलर थी से ह्वैट बढ़िया हो क्योंटू हुए पूरा टा हुए कि तार अधार देख तार सेंटर अफ मास रो से जिनसा पढ़िया सेंटर अफ मास एक पढ़िया जाता है मेकानिक्स बोल पढ़िया तो ये कतला हाफ इंटु एवरेज फोर्स इंटु इनक्रीज इन लेंथ तो पकड़ा कौन हाफ इंटु एफ इंटु इनक्रीज इन लेंथ के पड़ो डेल बुझेगा यहाँ भल कि बुझ ताप लिख हाफ इंटु एफ इंटु डेल एल बुझेगा एबे कौन करिया हमें गोटे सेटिंग करिया कौन सेटिंग करिया तुम्हें देख यंग्स मॉडुलस जो पढ़ी थे फर्मूला कौन थी एफ डेल एल बाई ए एल थिला कि नहीं तो मुझे कौन करी ना तले गोटे ए हरिनी तले गोटे एल हरि बुझेगा फर्मूला रहा हाफ इंटु एतिक बार हाफ इंटु डेल एल बुझेगा एटा गोटे फर्मूला डायरेक्ट यही फर्मूला पकईक भी एनर्जी स्टोर्ड इन वायर बाहर करपर आउ कौन भी कर हाफ एफ डेल एल थिला एबे कौन करी गोटे ए करण करी गोटे एल करण करी तुम इच्छा करी जब हरि कौन करी गुणन करें गुणन कर इंटु ए इंटु एल एटा कौन एटा कौन एल्टा कौन लेंथ एरिया सहित लेंथ मल्टीप्लाई कले कौन बाहर एरिया सहित लेंथ मल्टीप्लाई कले कौन बाहर एरिया कौन कि क्षेत्रफल पूरा किए कहला किए से पिला वेरी गुड वॉल्यूम बाहर एल इंटु बी इंटु एच कर ना क्यूब क्यूब एड जो रोच ए क्यू हो एल बी एच कर तलटा कौन एरिया सहित हाइट मल्टीप्लाई कर एरिया सहित डायरेक्ट कौन मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई कौन बाहर वॉल्यूम बाहर बुझिपार जो जापार साइड लेख एरिया ए जगार एरिया एल है लेंथ एरिया इंटु लेंथ मल्टीप्लाई कले वॉल्यूम बाहर बहुत जगह ये जिनस यूज हे तेणु मन रख सब केस खाली क्यूबॉइड नुहे जिते तुम्हें सिलिंडर भी नौ सिलिंडर वॉल्यूम कमी बाहर सिलिंडर वॉल्यूम फर्मूला कौन पाय
তার এরিয়া তলটা সার্কেল পাই আর স্কয়ার হাইট এইচ বুঝি পারছো কি নাই তো তাহলে আমি কত লিখে পারি এফ বাই এ মানে কোন এফ বাই এ মানে কোন স্ট্রেস ডেল এল বাই এল মানে কোন স্ট্রেন গুটে ফর্মুলা কে যদি বাহির করতে না দেখো হাফ ইনটু এটা কোন হই যো স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন ইনটু এটা ওটা হেলা পড়িলা যদি গুটে সবস্টান্স রো স্ট্রেস গিভেন থিবো স্ট্রেন গিভেন থিবো ভলিউম গিভেন থিবো তাহলে ওয়ার্ক ডান রো ফর্মুলা কোন হইবো হাফ ইনটু স্ট্রেস ইনটু স্ট্রেন ইনটু ভলিউম তাহলে ভলিউম কার ভলিউম অফ দা ও यार যেটা দেইছো যে ম্যাটেরিয়াল তার তাহলে এটা কোন লাগে এনার্জি স্টোরড ইন ওয়্যার ওয়্যারটা পুরো লম্বা থিবো আর কোন থিবো ইউনিফর্ম থিবো ইউনিফর্ম মানে কোন यूनिफॉर्म माने कोनो तबे तो यूनिफॉर्म पिदि जाउला स्कूल ता माने सो समान माने तले गुटे ओयार यूनिफॉर्म थु आमे बहुत जगह रे फिजिक्स यूज करिवा सेटा पूरा यूनिफॉर्म सबस्टेंस ता माने कोनो बुझे सब वाटा समान थे माने तारटा जो आस्थियो गुटे यारे मोटा गुटे यारे कुजा गुटे यारे चपटा एंति न पूरा समान से वाटा जो नीचे आमे पूरा समान थियो तले एटा जो बाहरला एनर्जी स्टोर्ड इन ओयार माने पूरा ओयार रे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम जदि आमे करिया गुटे छोटा पीस टे काटि आले तारो टे पूरा लंबा टे छोटा पीस टे काटि छोटिया छोटिया टे काटि आले ता भीतर केते एनर्जी रहे ता भीतर एनर्जी केते स्टोर रहे लेकिन दिमाग करियो टोटल रहला एति की टोटल रे कोन माने वॉल्यूम जदि छोटा टे पीस टे काटि आले गुटे पार्ट रे वाला ता एटा कोन डिवाइड करियो वॉल्यूम डिवाइड करियो त ता पर साइन लाइन टे कोन लगाई छी एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर टोटल वॉल्यूम रे रहला एति के एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रे केते रहे बुझि पाछो के नै टोटल टोटल वायर रे रहला एति के नै स्टोर्ड जदि हम कर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम धरो गुटे वायर रो वॉल्यूम हैला 60 मीटर क्यूब तने 1 मीटर क्यूब रे केते रहयो कोन करियो 60 मीटर क्यूब रे एति की 1 मीटर क्यूब रे बाय 60 तने कोन लिखियो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन वायर एनर्जी स्टोर्ड इन वायर फॉर एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर एठी कोन नउथले एटा कोन नउथले कैपिटल यू नउथले एठी कोन नउछ आमे स्मॉल यू बुझियला सेठी नउथले कैपिटल यू केतेबेले नउथले टोटल ओयर रो केते एनर्जी स्टोर होछ स्मॉल यू केतेले रबा यूनिट वॉल्यूम रे पर यूनिट वॉल्यूम माने कोन गुटे 60 रे एति की 1 रे केते तोडी कोन हिजो वॉल्यूम टा डिवाइड हिजो ताने केते हिजो फार्मूला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू बुझि पार्छ कि नहीं कौन बुझल एटा बाहर कौन एनर्जी स्टोर्ड इन वायर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम एटा बाहर कौन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर जेमते कहल गोटे लंबा तार नहीं चो तुम्हें मैंने मन कर तुम्हें गोटे मैंने तुम्हें किसी जान नौ कौन है हनुमान है न जानते किसी हनुमान कमी हेलो जमी हनुमान जाए कौन उठे आने गंधवर्धन पर्वत काहे को ठीक करथले काहे कोन जान नथले सत्य संजीवनी जान नथले पहाड़ रे रहथला पहाड़ रे जो रहथला कोन पाई आंछ संजीवनी उठे लखपण पछे पाई से तो जान नथले कोन पहाड़ उठे के नै आस्थले जदि तमे ओटे बहुत टैलेंटेड लोक तमे ओटे साइंटिस्ट हे के जाई छ ओटे जागा तुमको सैंपल टेस्ट करने पठाई से कौन अच्छी से गोल्ड अच्छी यूरानियम अच्छी मैंने पूरा मानते यूरानियम बुझ पार तो सब रेट गोल्ड ठू भी अधिक रेट टू यूरानियम चोरी कर तो तुम्हें से पूरा यूरानियम थो तुम टेस्ट करने लाभ पड़ पूरा उठे आनी हो कि गोटे सैंपलटे नहीं आसो तुम छाड़ीदेव जेहे कंपनी वाला गवर्नमेंट छाड़ीदेव तुम आने तुम घर पूरे दब तुम गोटे सैंपलटे आने टेस्ट कर सो एटा कोन आला यूनिट वॉल्यूम माने एटा सैंपलटे आने के बाहर कर देले भी टोटल रो भी तमे बाहर करि परिबो एतना जो फॉर्मूला आला हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन केता आला
भल्य ये आउ गोटे फर्मुला भी पार आउ गोटे फर्मुला कौन हम किए कह यंगस मॉडुलस आकार यंगस मॉडुलस आकार किए बाहर कर ये जो फर्मुला लिखे हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आपको यंगस मॉडुलस आकार स्ट्रेस केवश्चन तेने केमी कर यंगस मॉडुलस वाई गोटे कन्स्टांट दे दीजिए वाई है से मेटेरियाल वाई है शुण ये जी आम सब पढ़ुचे यंगस मॉडुलस वाई जी पढ़िया बल्क मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से सब गोटे कन्स्टांट प्रति मेटेरियाल सेपरेट सेपरेट थाए से गोटे कन्स्टांट तार भैल्यू बाहर बुझिपार कि ना वाई भैल्यू देखो कि भैल्यू देखो क्वेश्चन में जब आईरन दे तार वाई ये तार एनर्जी स्टोर फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर के बाहर कर वाई फॉर्मूला कौन पढ़ले कौन पढ़ले वाई इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन एवं तो बाहर ना सेटा नॉर्मल स्ट्रेस बाई लॉन्ग प्लस स्ट्रेस बाई स्ट्रेन तो ये कौन करवा मुझे गोटे हाफ इंटू स्ट्रेस बाई कौन करी गोटे स्ट्रेन हरी दे आ गए स्ट्रेन स्ट्रेन रक्वयर बुझेगा तेल ये स्ट्रेस वाई स्ट्रेन जगह के लिखी वाई तेटा के हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन रक्वयर बुझेगा सरला के जिन पढ़ार मान है प्रोब्लेम पड़े ये बहुत भाविकी कर पड़े कौन दे कौन ना ये फर्मुला तुम सब बाहर कर प्रोब्लेम कले बुझे ब्रेकिंग ऑफ वायर पड़ी ना बड़े पढ़ा फिफ्टी टू सेवेन्टी परसेंट क्वेश्चन से जगह सल्व
तब यदि क्वेश्चन टा पढ़ के बुझी पार छ जे कोन गिवन अछि आ कोन मांगित तान तोर से 70% क्वेश्चन सॉल्व तो देई छि कोन द लेंथ ऑफ द सस्पेंडेड वायर ओटे सस्पेंडेड वायर जना तळ को झुला आइ छि वायर इंक्रीजेस बाय 10 टू द पावर माइनस 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ तार जति की लेंथ थिला तार टू 10 टू द पावर माइनस 4 टाइम्स कोन हे छि बढी हे छि स्ट्रेस कते दे छि 10 टू द 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाइम तारो यंग्स मॉडुलस कते बाहर करे वाई कते बाहर करे वाई कते बाहर करे वाई माने कते स्ट्रेस वाई स्ट्रेस स्ट्रेस कते दे छि स्ट्रेस दे छि 10 टू द पावर माइनस 7 होले खाली 7 10 टू द 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेन कते दे छि 10 टू द पावर माइनस 4 देखि जानि पड़छ तो द लेंथ ऑफ ए सस्पेंडेड वायर इंक्रीजेस बाय 10 टू द पावर माइनस 4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ डेल एल बाय एल इक्वल टू द डायरेक्ट 10 टू द माइनस 4 बुझि पड़छ कि नहीं डेल एल बाय एल द डायरेक्ट दे दी 10 टू द माइनस 4 तने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन सिंपली पकेओ 10 टू द पावर 7 बाय 10 टू द पावर माइनस 4 कते है 10 टू द पावर 11 सल्ला तापर क्वेश्चन ला देखो ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर एंड डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तार लेंथ दला डेंसिटी दला वेट दला वेट कते 50 ग्राम व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 केजीएफ अगर तो स्ट्रेच करछ कते फोर्स रे देखि की क्वेश्चन डोरी जावनी आस्ते आस्ते हे जो व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए फोर्स ऑफ 10 केजीएफ द लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 मिलीमीटर कैलकुलेट यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील सही बार करे कोन यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस वाइज स्ट्रेन करबा किंतु स्ट्रेस एनी कते डायरेक्ट देइनी स्ट्रेन भी कते डायरेक्ट देइनी स्ट्रेन रो फार्मूला कोन डेल एल बाय एल केते चेंज हे छी 2 मिलीमीटर चेंज हे छी केते लेंथ रो 2.5 रो डेल एल बाय एल बाहर कर परियो ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील लेंथ केते जो क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन वॉल्यूम पढ़ो जहाँ जहाँ देखिए अगर छोटा छोटा टिके को लिखो ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ स्टील ऑफ लेंथ 2.5 मीटर से जो स्टील वायर था देखिए तार लेंथ कितने 2.5 मीटर ताने ए इक्वल टू कितने लिखी हो 2.5 मीटर लिख दे तापरे डेंसिटी माने किसो मास बाय वॉल्यूम तब काला डिनोट करू रो द्वारा ताने रो कितने दे दी छी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे छी की यूनिट का डाटा दे छी सीजीएस यूनिट दे छी ताको कन्वर्ट करियो को यूनिट को एसआई यूनिट को कन्वर्ट करियो बा सब ग्राम ले करी करियो देखो सब बड़ा ग्राम ग्राम दे छी त तो सुविधा हो 2.5 मीटर टाको सेंटीमीटर प्रकाश कर दो सब बड़ा का यूनिट गुटे सिस्टम रे रहला नियत दरकार आइदर रहियो यदि मीटर एमकेएस माने कोन मीटर केजी सेकंड सब बड़ा सब दिबे आइदर रहियो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड देखो एटी सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर देला आ वेट भी देछि ग्राम देछि त ग्राम को केजी करिवो सेंटीमीटर को मीटर करिवो त गुटे अछि खाली मीटर ताको सेंटीमीटर कर दोटा इजी हो सब गुटे सिस्टम रे रखियो माने चीनी डबा रे चीनी रखियो लुण डबा रे तो l इक्वल टू होला 2.5 मीटर रो दे देला छी तापर कोन वेट दे दै छी तले मास केपे 50 ग्राम से जो वायर टा अछि ताके वजन करलो केते मास रो 50 ग्राम रो यदि 50 ग्राम रो सुना हे तले मालो मालो बदवा पड़ते आता नहीं 50 ग्राम सुना रे व्यापार तो पर कैसे स्टार्ट
50 ग्राम स्टार्ट करियो पुनि 50 ग्राम 100 ग्राम हो 100 ग्राम को 1 किलो हो ठीक कथि केता हो कोन तो भाई 10 ग्राम केता टका 50 ग्राम 50 50000 51000 तू और साधारण तो मैंने डिस्काउंट दे दियो गाड़ी शोरूम कत लक्ष टकर कर तुम्हें कहीं एम बी ए चावल बाहर चावल आओ एम बी ए वाला कहीं हो हो खेले सो ए ए ए व्हेन स्ट्रेच बाय ए फोर्स ऑफ 10 केजीएफ केते फोर्स टणा होची 10 केजीएफ केजीएफ पाबियोनी केजीएफ कुके पाबियोनी केजीएफ बनला केजी फोर्स नॉट केजीएफ केजीएफ रे पुरपन कोन दिला बनर के सब ना आ तो की फिल्म देखछो हसी तो कौन बुझ पाने की फिल्म देखते पचास पुष्पा आर भाई बड़ा के कौन कौन बहुत से ठीक कह कन्नार गोल्ड थे गोल्ड माइन कर्णाटक गोल्ड माइन टा सेटा रियल स्टोरी टा ठीक है रियल अच्छे सब रियल है रियल अच्छे अरे सुनो केजीएफ माने केजी फोर्स माने गोटे फोर्स टाइटल तौक पड़े तापर कौन ग्राविटेशन पड़ो तेनालीरु केजीएफ लिखाई थी कौन हम 10 के जी सहित 9.8 मल्टीप्लाई हम 10 सहित 9.8 मल्टीप्लाई हम जितने फोर्सटा तौक पड़ो तापर ग्राविटेशनल फोर्स पड़ो जीरो भैल्यू के 9.8 से जगह केजीएफ फोर्स माने वार्क भी सेमती आस सब एफ लगे मैंने 9.8 टे मल्टीप्लाई कर खाली मन रख कहीं मल्टीप्लाई होती कौन पढ़ा होती न्यूटन्स मेकानिक्स पढ़ा पूरा डिटेल्स में पढ़े एवं खाली मन रख केजीएफ मैंने 9.8 मल्टीप्लाई कर एफ लगे मैंने 9.8 मल्टीप्लाई कर पड़ो ग्राविट एगेस्ट गला ग्राविटी तो आप पढ़ु मैंने केजीएफ लगे बुझा ठीक है एवं खाली तापरे द लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 मिलीमीटर देखु ना क्वेश्चन ना भूल गलि के जेब को पड़े अच्छा तो डे ताने जो लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 एमएम माने कौन लेंथ इंक्रीजेस बाय 2 एमएम माने कौन बॉडी जी कितने बॉडी जी दे दी जी माने डे लेंथ ना कौन नोट ले भाई इंक्रीजिंग लेंथ नोट ले ना एल टाला ओरिजिनल लेंथ डे लेंथ टा कौन नोटले ना डे लेंथ टा केते देला तमे जति किसो पाठ पढिछ सब यूज हो एबे कहो गुटे मिलीमीटर गुटे सेंटीमीटर से केते मिलीमीटर 10 मिलीमीटर ठीक को जतो यस सर हां ना ताने गुटे मिल 2 मिलीमीटर से केते सेंटीमीटर को 2 by 10 गुटे सेंटीमीटर जे 10 मिलीमीटर जानि नहि लेखो लेखि कन्वर्ट करे गुटे सेंटीमीटर जे 10 मिलीमीटर गुटे मीटर जे केते सेंटीमीटर गुटे किलोमीटर जे केते मीटर गुटे किलोमीटर जे केते सेंटीमीटर 10000 सेंटीमीटर ताने 10 सेंटीमीटर जे गुटे मिलीमीटर गुटे सेंटीमीटरटा डेसिमिल तो नहीं 10^-10 मिलीटा आसो मीटर डेसिमिल डेसीटा के पढ़े ना केमिस्ट्री पढ़े सैंस डेसी तो कहीं डेसी कौन डेसी सफिक्स कौन था 10^-1 के मीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर देख मैंने 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर मैंने 1 मिलीमीटर से 1/10 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर से 2/10
सेंटीमीटर तो डायरेक्ट एटा को एटा थरे कोइनी सेकंड टाइम कोइनी 2 मीटर कर जे 0.2 सेंटीमीटर एटा छोटे छुआ पाठ पढो छना बोल कॉलेज आसलो निजे करो तबे एटा तमे जानलो स्कूल ल किसा करतलो अंडा खाउतलो एकले तुम्हें स्कूल अष्टम जाए अंडा खाइन बुझ कर्णर पर अंडा बांटू ना ए अंडा न खाला मैं तुम एकाउंट पैसा आसूल एकाउंट पैसा आस अंडा खाइन कौन पैस 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर देन 2 मिलीमीटर इक्वल टू कते हिजो 2/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर खाली अंडा गेट स्कूल जा आ किछ आ स्टार्ट 17 ने छवा किसो करतलो मु जानतु सो तमो जे सारे मो सांगो विश्वनाथ सर सब कही क्लास चलती ना लुक शुणे खराब भाव तुम ना कहने बदनाम ना सतरा कह सब जहाँ कर स्कूल हल्ला ना क्या 0.2 सेंटीमीटर का हल्ला मैंने 2.5 मीटर को सेंटीमीटर करो 2.5 मीटर को सेंटीमीटर करो बाहर चले समस्त घर ए सेक्शन छुआ किए के हाथ देख लो 10 क्लास ए सेक्शन के ए से के सेक्शन तो भूल रहे तुम एक के सेक्शन ओ छाड़ो 2.5 मीटर से कितने सेंटीमीटर 2.5 मीटर से कितने सेंटीमीटर 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर 2.5 इनटू 100 कितने हो जीवो 250 सेंटीमीटर वाई बाहर करबो वाई टा कोन स्ट्रेस वाई स्ट्रेस स्ट्रेस रो फार्मूला कोन स्ट्रेस रो फार्मूला कोन फोर्स वाई एरिया स्ट्रेन रो फार्मूला कोन डेल एल वाई एल डेल एल वाला केते 0.2/250 बाहर करो फोर्स केते डेंसिटी का फॉर्मूला कौन डेंसिटी का फॉर्मूला कौन
मास भाई वॉल्यूम डेंसिटी का फार्मूला है मास भाई वॉल्यूम का फार्मूला कौन लेंथ इनटू एरिया ए इनटू एन माने ये तो ए बाहर होगी नहीं आगे बढ़े कोई नहीं हो रो इनटू ए इक्वल टू एन ए इक्वल टू एम बाय रो इनटू एन बुझी पार्छो बुझी पार्छो कि नहीं रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वॉल्यूम रो फॉर्मूला लाइक सो एरिया इनटू लेंथ एरिया इनटू लेंथ आगे बढ़े नहीं कोई नहीं हो रो इनटू एरिया इनटू लेंथ एरिया इक्वल टू ए दिशा से बढ़े करियो ना एम बाय रो इनटू एन बुझी गला खत्ता आंसर नो देखी थी एटू कोड बार कर दबो एम वैल्यू दे छी रो वैल्यू दे छी एन वैल्यू दे छी एन कते दे छी एरिया बार कर दबो एरिया वैल्यू एटी पके दबो एरिया वैल्यू सेटी पके दबो एटा उठे बाहरियो एटा उठे बाहरियो स्ट्रेस वेस्टर्न हरण कर दबो देखि आंसर बाहर कर दबो एटा तमो जेरेक्स न देखि थी बिना आंसर देखि निजे करिया को चेष्टा करियो निजे करिके आनिबो चेष्टा कोन हरण कोन सिखिनो